दोस्तों नमस्कार तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी चौदह जनवरी 2022 की टुडे न्यूज़ में आप सबका स्वागत है और आज मकर संक्रांति है कल भी मकर संक्रांति आप किस दिन मनाते हैं हमें कमेंट में जरूर बतलाइएगा यदि आप दोनों दिन मना लेते तो अच्छी बात है ऑटोमेटिक मन जाएगा आज की इन्फॉर्मेशन में आते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बी का रिजल्ट जारी कर दिया गया था तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में तो यह जो जानकारियाँ महत्वपूर्ण है और जो लोग रिजल्ट नहीं देखे हैं जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उसे क्लिक कीजिए और अपना डिटेल्स को फिलअप करके रिजल्ट देख लीजिए दोस्तों अगले इन्फॉर्मेशन में आते हैं तिलका मंजी भागलपुर यूनिवर्सिटी में अगले सत्र से बी पी एल से भी नामांकन मिलेगा इसकी जानकारियाँ सामने आ रही है दोस्तों इसे मैं जूम करता हूं और आप साफ तो पर भी देख पा रहे हो कि बढ़ी सीटों के लिए जारी होगा नोटिफिकेशन तो ये भी अच्छी डिटेल्स अच्छी जानकारियां सामने आ रही है आज के डेट में एडमिशन के बारे में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे रजिस्ट्रार के फर्जी आईडी मामले में थाने में गया है शिकायत टिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव का यहाँ पे देख पाएंगे कुछ फर्जीवाड़ा किया गया उनका आईडी के बनावट करके विश्वविद्यालय के कैसिस को का मतलब उसको भ्रमित किया जा रहा था तरीके से नोटिस जारी किया गया था तो यह जो मामला है वो शिकायत चला गया है थाने में नेक्स्ट आप देख पा पाएंगे आठ माह बाद भी तैयार नहीं हुआ है सैनिटाइज़र जो कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी को सैनिटाइजर बनाना था जैसा कि आप यहाँ पर यदि मैं जूम करूँ तो आप देख पा रहे हैं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए सैनिटाइज़र आठ माह बाद भी तैयार नहीं किया है जबकि इन्हें जो कहा गया था इसे पूरा करने की ज़रूरत था लेबोरेटरी भी तो तैयार ही है लेकिन इन लोग कटौती कर रहे हैं अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं वे लोग काम नहीं कर रहे बॉटिन विभागों को तैयार करना था काढ़ा नहीं ये भी नहीं बना पाए इनको भी काढ़ा बनाने चाहिए था जिम्मेदारी के बारे में यहाँ पे जैसा कि आप देख पाएंगे एल्कोहल की बिक्री पर पाबंदी लगी है हेडने का इन निकालो ऐसा हो रहा मतलब अपने आप को बचाव करने के लिए एक अच्छा तरीका इन्होंने बतला लिया बना लिया दोस्तों आप ये भी देख पा रहे हैं विभाग का अंदरूनी मामला ठीक नहीं है इन्हें कारणों से पीजी जी विभाग के हेड प्रोफेसर चंद्र भोहन सिंह ने कहा कि विभाग का अंदरूनी मामला ठीक नहीं होने के कारण से इन सभी समस्याओं में दिक्कतें आ रही है सामने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं बी कॉम पार्ट वन का जो रिजल्ट जो जारी हुआ सेशन उन्नीस से बाईस वाला वो लोग जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जा कर, कर के देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं और इसके लिए स्पेशल शॉर्ट वीडियो भी बना चुका हूं आप उसे फॉलो करना नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं टी एन को ऑर्डिनेटर का कालकाल काल को बढ़ाया गया है जो कि इकतीस दिसंबर दो हज़ार तक उनका कार्यकाल है तो यह भी इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण हो जाती है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे ऑनलाइन क्लास के लिए नहीं भेजा रूटीन जो कि टी एम बी वी तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ऑनलाइन पढ़ाई को के लिए कॉलेजों व पी विभागों से 12 जनवरी तक रूटीन को ईमेल के जरिए भेजना था लेकिन बाईस पी जी विभाग एवं सात कॉलेजों को, को रूटीन नहीं उपलब्ध कराया गया देख पा रहे हैं रूटीन उपलब्ध कराया गया वहीं पे आप ये भी देख पा रहे हैं कुछ पी विभाग को भी नहीं भेजा गया तो सभी को भेज देनी चाहिए थी ताकि बहुत सारी जो भी समस्या है वो सुलझ सके और जो स्टूडेंट उनका भी क्लास चलता रहे तो यह भी इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है यानी सभी को भेजना चाहिए कुछ को भेजा गया कुछ को नहीं भेजा गया नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों को कलमबद्ध हड़ताल सत्रह को होने वाला है जो कि यह भी महत्वपूर्ण हो जाती है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी कर्मचारी सत्रह जनवरी को कलमबद्ध हड़ताल करेंगे गुरुवार को विश्वविद्यालय शिक्षकोत्तर कर्मचारी संघ प्रतिकुलपति के कार्यालय में आवेदन दिया है तो यह भी इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण और ख़ास हो जाती है तो दोस्तों आज की जो भी इफॉर्मेशन थी हमने आपके साथ में साझा किया था इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू दोस्तों